नमस्कार दोस्तों, व्हीलचेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फोल्डिंग पावर व्हीलचेयर के बारे में। तो ये देख सकते हैं फोल्डेबल पावर व्हीलचेयर, और इस व्हीलचेयर का खासियत है कि ये विथ लिथियम बैटरी आता है। इसमें जो बैटरी लगा है वो लिथियम बैटरी है और बिल्कुल ईजीली लाइट वेट बैटरी है। ईजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और इसमें इस टाइप का चार्जर भी आता है, देख सकते हैं आप। ये वोल्टेज भी आप देख सकते हैं इसका, इस टाइप का इसमें व्हील आता है, रियर व्हील। इस टाइप का इसका हैवी ड्यूटी फ्रंट व्हील है, आप देख सकते हैं। रिमूवेबल फुटरेस्ट दिए गए हैं इसमें, डिटेचेबल, और इसका हैंडरेस्ट भी डिटेचेबल है, फ्लिप अप है, आप देख सकते हैं, और डिटेचेबल फुटरेस्ट है इसमें। तो इस टाइप से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये फोल्डिंग पावर व्हीलचेयर है। इस टाइप से आप इसके फुटरेस डिटैच कर सकते हैं, और इसका जो सीट कवर है वो भी आप निकाल सकते हैं। और इसका बैटरी, इस टाइप से आप ये कनेक्टर आपको रिमूव करना रहेगा, और ऐसे इजीली आप इसको हैंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से इजीली फोल्ड हो जाता है। ये फोल्ड करके आप कार के डिक्की वगैरह में इजीली कैरी कर सकते हैं, और इसका जो बैक रेस्ट है वो भी फोल्डेबल है। तो ये इजीली आपके कार के डिक्की वगैरह में आप ले जा सकते हैं, और आप सेफ्टी के लिए इसका जॉयस्टिक भी रिमूव कर लें। आप इसका जॉयस्टिक भी रिमूव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस टाइप से ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, फोल्डेबल पोजीशन में आप देख सकते हैं। और इसका बैटरी भी बहुत लाइट वेट है, लिथियम बैटरी है, इजीली कैरी कर सकते हैं आप। इस टाइप से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से इसको ओपन कर सकते हैं। ये जॉयस्टिक आपको वापस फिट करना रहेगा इसमें। ये जो इसका बैक रेस्ट है ये इजीली, और इस टाइप से ये आपको हैंग करके कनेक्टर से अटैच करना रहेगा। ये आपको कुशन कवर इसके लगाने रहेंगे। आप कुशन कवर निकाले बिना भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। फुटरेस इजीली लग जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। इस टाइप से आपको फुटरेस लगाना रहता है, हैंडरेस्ट इसके डिटेच फ्लिप ऑफ है, ये पीछे की तरह फ्लिप हो जाते हैं अगर आपको बेड वगैरह पर शिफ्ट होना है। और ये सिंगल चार्ज में 10 से 12 किलोमीटर चलता है, और इसमें इस टाइप का सेफ्टी बेल्ट भी दिया गया है। और इसको चार्ज भी हम आपको लगा के बताते हैं किस टाइप से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका चार्जर है, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट में हम लगा के दिखाएंगे इसको। ये इसका चार्जर है, देख सकते हैं आप। ये चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जॉयस्टिक में, आप देख सकते हैं। इस टाइप से आप चार्ज कर सकते हैं इसको, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट जो है ये ग्रीन हो जाएगा येलो से। और इस टाइप का इसका जॉयस्टिक है, आप देख सकते हैं जॉयस्टिक, जॉयस्टिक में ये आपको दिखता है A5 स्पीड दी गई है इसमें। ये ऑन ऑफ, पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है, और इसमें ये हॉर्न भी दिया गया है,
और ये आप जॉयस्टिक दिया गया है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, व्हीलचेयर उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो अब छोटा सा हम आपको इस व्हीलचेयर का डेमो करके बताते हैं कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, और ये इंडोर और आउटडोर पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस जॉयस्टिक को आप आगे की तरफ मूव करोगे तो व्हीलचेयर आगे की तरफ मूव होगा, इसको आप साइड मूव करोगे तो व्हीलचेयर साइड में मूव होगा, और इसको अगर आप पीछे मूव करते हैं तो एक दिखता है आपको एक हॉर्न आता है, जैसे पीछे कोई हो तो वो हट जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और इस व्हीलचेयर को परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.wheelchairindia.com ज़रूर विजिट करें। लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है विथ फ्री शिपिंग। और इसका एक मेन फीचर मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ये व्हीलचेयर अभी पावर मोड में है, आप चाहते हैं कि इसको अटेंडेंट कोई पीछे से पुश करे तो चल जाए, तो उसके लिए ये फीचर दिया जाता है इसमें व्हील में। इसको आपको बाहर की तरफ पुल करना है और हल्का सा इजीली मूव करना है। इस व्हील में जो लॉक है वो भी आपको हल्के से पुल करना है और इजीली मूव करना है, तो फिर आप इस व्हीलचेयर को खुद धकेल सकते हैं, मतलब पीछे से कोई धकेल सकता है और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर आप इनको वापस शिफ्ट कर देंगे, हल्का सा पुल करके मूव करेंगे आप, तो ये वापस पावर मोड में आ जाता है, तो फिर आप इसको धकेल नहीं सकते हैं। फिर आप ओनली पावर मोड में इसको जॉयस्टिक से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।